बहुत ही मजा। Good morning, मेरा दोस्तों सभी को पता है मेरा दो घर है एक महातेपुर पे और एक सुमपोई पे सुमपोई वाला घर जो पेंटिंग में चल रहा है बहुत सारे लोगों को पता है मेरा घर बन रहा है और मतलब बहुत मतलब छ महीना सात महीना ऊपर में विदाउट टीना का ही हम लोग रहा कंटिन्यू बहुत तूफान आया था बहुत बारिश दिया था बहुत धूप दिया था ऐसे हम लोग चाह लेकिन अभी अभी जो मतलब टीना फाइनली ला लिया लाने के बाद अभी टीना लगाने के लिए पेंडिंग हो चुका है तो आप लोग को दिखाता ये है टीना जो आसाम से लाया बहुत ही ज्यादा लाया और घर का नीचे में बहुत ही ज्यादा है और ऊपर में लगा रहे हैं कुछ कुछ टीना ऐसा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी टीना लगा के कम्पलीट हो जाए और ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुका है आजकल का दुनिया में मतलब दुनिया में नहीं आजकल बहुत ठंड लगने के लिए शुरू हो गया है ठंडा सीजन पूरा आ चुका है बाबरे बा टीना जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है एकदम पूरा मजबूत है पूरा कड़क है टीना बहुत ज्यादा मजबूत है प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही मजा से लग चुका है पूरा रूल एंड रेगुलेशन से पूरा मजा से पूरा सम्मान से ऐसा मजा लग रहा है दूर से देखने से बहुत ही ज़रा मज़ा लगेगा ये तो रेड तड़का है तीना लेकिन अभी यहाँ पे दिखाई नहीं मिल रहा है लेकिन दूर से देखने से बहुत ही अट्रैक्टिव होगा यहाँ से दिखाई मिल रहा है रेड्रैक्टेड देख सकते हो यहाँ से पूरा दिखाई मिल रहा है उसका आगे वाला बाद में लगा का पहले पीछे से आरम्भ कर रहे हैं दोस्तों ये पीछे बैकग्राउंड वाला है ये देखो सूरज मॉर्निंग प्रणाम सूर्य देवता अभी बज चुके हैं सुबह के साढ़े पाँच बज चुके हैं और सुबह सुबह पूरा उगते हैं कितना मज़ा से वाओ ये है सुबह 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 ऐसे होते हैं सुबह का नजारा सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं डेटा नहीं छोड़ते हैं ये है भवाल भवाल का मतलब है यहाँ पे हम लोग धान रखते हैं कल परसों वीडियो देखा था आप लोगों ने जो ढान काटा था ना उसको इसका अंदर में ही हम लोग रखते हैं ये एक, एक एक्स्ट्रा का घर होता है मेरा घर तो अलग है आदमी रहने का घर एक अलग होता है और ये लक्ष्मी माँ का घर है जहाँ पे सिर्फ धान रखते हैं यहाँ पे चावल वगैरह रखते हैं ये है बहुत ही सुंदर हम लोग का गाय देख सकते हो ये है बच्चा और ये गाय अभी भी हम लोग डूट ख्या ख्या के खाते हैं गौमा नमस्ते कैसे हो ये है टीना देख सकते हो पूरा मजा से लगा दिया है और ये रूम पूरा काला हो चुका है <laughs> और सुबह सुबह उठ के खाली पेट ही पीता हूं मैं गर्म पानी इसीलिए ये है गर्म पानी ये जो टीना है दोस्तों मैंने पहले ही ठाना था आप लोगों को पता है रेड ब्लू रेड ब्लू और ग्रीन कलर का होता है ज्यादा कॉमन कलर लेकिन मैंने रेड को चुना क्योंकि रेड कलर मेरा बचपन से बहुत ज्यादा फेवरेट है मुझे रेड कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं कल्चर वगैरह प्रोग्राम करने से भी मैं रेड कलर ही पहनता हूँ और ये मेरा मम्मी है आप लोग देख सकते हो ये मेरा माँ है और ये रेड कलर मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और महातेपुर में जो बेटा है वो मेरा मौसी है तो मौसी और मम्मी सेमी है तो इसलिए मैं मौसी को मौसी नहीं कहता हूँ मैं मम्मी कहता हूँ मैं वहीं पे रहता हूँ क्योंकि इस गांव में नेटवर्क

ठंडा सीजन में ऊपर से गिर के आते हैं रात को और कहता है हम लोग का नाना नानी ने कहा था बचपन में कि इसको आंखों में लगाना चाहिए तब रोशनी बहुत तेजी से बढ़ता है हिम पानी को आंखों में लगाना चाहिए ये वाला पानी तो इसको ले लेता हूँ हाथ में कितना आएगा कितना नहीं आएगा यह पता नहीं है एक बुन भी अगर आंखों में गिर जाए तो भी बहुत अच्छा हो जाता है आ, अच्छा लग जाता है और एक बुला लगाते हैं ये पूरा निधन पूरा फ्रेश है ये मज़ा लग रहा है और एक लगाते हैं मज़ा लग रहा है आगा पे। यस yes, ये है बस्ती का मेडिसन ये yeah, देख सकते हो मैंने इसे लाया था इटानगर से मेरा बुआ जी का घर से और बहुत ही छोटा में लाया था सिर्फ दो ही पता था ये वाला था वो वाला था ये उगी नहीं रहा था अब ये फाइनली उग गया है जब मेरा घर बन जाएगा बहुत ही मज़ा से तब ये बहुत ही अच्छा लगेगा पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक लगेगा दोस्तों और ये भी एक फ्लावर है मैं फूल का लवर हूँ कौन कौन मेरे जैसा फ्लावर लवर है आप लोग कॉमेंट करके बताना और ये तो गोविंद विला ये फूलने से तो और भी मज़ा लगेगा ये पूरा टेकआउट हो गया था ये आया ये बाबा का जैकट है ये पूरा टका आउट हो गया था लिप्स पूरा टका टेकाउट हो गया था लिप्स मैंने पूरा काट दिया और काटने के बाद ये भी एक अलग है ये दहीजी का काम होगा ये यहाँ पे कोई किसी ने काटा है ये तो ये पूरा टेकआउट हो गया था दोस्तों अभी इसको काट 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 करके मैंने अलग जगह पे भी मैंने लगाया है उसको दिखाते हैं बचपन में इतना फूल लगाता था इतना फूल लगाता था आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो घर है ये मतलब इस तरफ इस तरफ नहीं था द्वार इस तरफ था हम लोग का द्वार और इसका आगे में था ये वाला आंगन और ये सब मैंने लगाया है दोस्तों ये सब मैंने लगाया था मेरा दीदी दो है वो लोग का फूल फूल में इंटरेस्ट नहीं था सिर्फ मैं ही लगाता था ये सब ये सब मैंने लगाया था ये अभी तो बहुत बड़ा हो चुका है अभी इसको काट 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 के पूरा वहाँ पर पूरा लाइन से लगा देंगे है कि नहीं बिटुल चलो यार घर का छत मर पाया ना पाए ये सेकंड बात है लेकिन जो भी हो जो भी ना हो टीना ला लिया वही बहुत बड़ा बात है और उस दिन आलू लगाया था आलू को भी दिखाऊंगा और साथ में जो गोबिंद विला फूल को मैंने काट काट के डाली को लगाया था उसको भी देखता हूँ अगर वो गोबिंद विला फूल अगर आ, उग गया है अगर अच्छा से तो उसको खोट खोट के फिर से लगाना पड़ेगा एक अलग वाला पॉट पे पॉट भी खरीदने के लिए जाऊंगा कभी दिन क्योंकि पॉट भी अभी बहुत दरकार होगा हम लोग ऐसे घर का टीना वगैरह से ही हम लोग घर का जो मतलब गमला वगैरह फेंक देते हैं उसी को ही हम लोग यूज़ कर देते हैं फूल लगाने के लिए हम लोग का पिघी गाहड़ी और पिगी यहाँ पे मैंने लगाया था मर गया एक भी डाली जीवित नहीं बचा ओ माय गॉड उस दिन लगाने वाला आलू यहाँ में ये यह है मेरा मंदिर अभी चलते हैं महातेपुर में और बितुल आए हैं उसके साथ ही जाऊंगा महातेपुर में तो चलते हैं सब सामान पैक कर लिया अभी तक निकलते हैं चलो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं धीरे 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 आते आते हम लोग पहुंच चुके हैं महातेपुर रास्ते पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी बहुत ही धूप बहुत धूप है और प्लास्टर मतलब बहुत धूल मिट्टी है पूरा भुंग भुंग तो इसलिए हम लोग आए हैं अभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे अभी यहाँ पे खाना खाएंगे उसका बाद डायरेक्ट घर चले जाएंगे दोस्तों तो हम लोग खाना खाते हैं क्या क्या हो गया, क्या हो गया गया लो, लो लाइट है तो ये खाना मिल चुका है और यहाँ पे चिकन बिटूल यहाँ पे पूरा मजा से खाना खा रहे है मैंने पूरा खा के कम्प्लीट कर दिया है कर दिया है यहाँ में और बिटूल खा के कैसा लग रहा है बहुत ही मस्त लोकल वाला खाना

अभी ये वाला मतलब पूरा ट्रेडिशनल वे पे घर था अभी इसको तोड़ के अभी नया से फिर से बनाएगा पूरा पक्का कैसा बनेगा चांगना नीचे वाला नीचे वाला आसाम टाइप का अच्छा है चलो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा से बहुत ही अच्छा से ईश्वर का कृपा से बहुत ही मज़ा से बन जाए घर वाह बहुत अच्छा ही मज़ा अच्छा ये अभी ये वाला तोड़ने का बारे में रहेगा कहाँ में आप लोग घर में ओ अच्छा अच्छा इसको मतलब पूरा तोड़ देगा ना अभी तो इसको काट देगा हाँ, करना पड़ेगा हाँ, पड़े तो? अच्छा। उस, कितना दिन लगेगा घर लगेगा ऐसा ना अब सकते आप लोग ठीक है लो। <laughs> <थीके> ना बात बाकी हाँ चलो अच्छा बात है कंटिन्यू करते रहो अपना काम ठीक है मंजू भाई रहो हम जाएगा क्योंकि हम भी अभी अभी, अभी आए हैं और घर में घुसा ही नहीं डायरेक्ट बंजू भाई का घर पे आ गया जैसे घर पे आ गया बाबा और मामा जी आए थे और ये लोग जा रहे हैं अभी लकड़ी काटने के लिए और मैं अभी एंट्री मारता हूँ बहुत मतलब अच्छा लग रहा है और बितुल तो पहले से आ ही चुका है कहाँ में गया बितुल कर कर रहा क्या कर रहा है क्या कर रहा है रहा है क्या कर थोड़ा सा सो दस मिनट दस मिनट क्या टाइम है तब तक के लिए सो जाओ मैं मिनट कर लेता हूँ हाँ 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 बहुत ही अच्छा लग रहा है सुकून लग रहा है अपना घर पे दोस्तों ये है बेम्बू शूट सबको पता है बेम्बू शूट खाया होगा ये मतलब अभी विंटर सीजन धीरे धीरे आ गया है और विंटर सीजन में मतलब बहुत ही कम मिला जाता है बेम्बो इसीलिए ये मतलब पूरा समर के लिए रखा है ये और विंटर के लिए रखा है सॉरी समर सीजन पे ही मिलता है विंटर के लिए रखे है अभी विंटर सीजन पूरा आ चुका है दोस्तों बहुत ठंड हो चुका है मम्मी और भाभी सभी लोग गए है मम्मी लोग गए है फोटो मारने के लिए जॉब कार्ड का और भैया ऑटो चलाने के लिए गए है मम्मी और भाभी गए है घर पे नहीं है कोई भी मैं अकेले हूँ आस में और बिचुल घर पे अकेले बाबा भाई था बाबा भी चला गया गंगा hey, कहाँ से आए हो इधर पास में या पास में कहा में गए मुंह में क्या है प्वाली मामा मामा का घर से मुंह में क्या है मुंह में क्या है आ करो ई क्या क्या खा रहे हो हिलिका अभी कहाँ जाओगे घास दिन भर तुम घर पे नहीं रहता है सुबह उठ के तुम भाग जाता है क्यों हाँ। कहा भाग जाता है है कहा भाग लिया वो है भाग लिया भाग लिया क्या भाग लिया क्या भाग लिया हाँ। क्या भाग लिया <laughs> उसका मतलब क्या है हु? तो तुम भाग जाता तो, तु, 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 तुम तुमने मेरा केक खाया क्या मैं जो अलमारी पे रखा था हु? कौन खाया तो फिर हु? कौन खाया तो फिर नहीं खाएगा ठीक है जाओ खेलने के जाओ बहुत ही ज्यादा थकान लग रहा है तो मैं भी सोता हूँ अभी बिथुल अंदर में सोया हुआ है मैं बाहर पे ही सोऊंगा बहुत ज्यादा थकान लग रहा है घर पे कोई भी नहीं है और बच्चा लोग भी खेलने के लिए गए हैं का कुछ भी नहीं होप गाइस ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करो फॉलो करो शेयर करो और मैं दिन ब दिन सभी लोग मुझे कह रहा है कि मैं दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा हूँ ये क्या सच है कि मैं हैंडसम होता जा रहा हूँ दिन ब दिन अगर मैं होता जा रहा हूँ तो आप लोग नीचे में लिख देना दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए बाय बाय लव यू टू वन एंड ऑल बाय 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 और बायो बाय बाय